हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY मास्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम रिंकल्स, एक्नी, या फिर आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है, बहुत ही डल है, तो ये मास्क बहुत हेल्प करेगा। मैं इसके बारे में आपको साथ साथ में बताऊंगी। पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है प्योर हनी। आपको प्योर हनी लेनी है, शुगरी हनी नहीं लेनी है जो आजकल मार्केट में मिल रही है। नो, प्योर हनी ही चाहिए। एंड एलोवेरा जेल एंड फेस ऑयल, कोई भी फेस ऑयल आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ सरान रैप। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। आई मीन प्लास्टिक मीन्स या ऑब्वियसली फोल्डेबल प्लास्टिक। एंड ये देखिए, ये है मेरे पास हनी एंड दिस इज़ रियल हनी। तो मैं इसको हाफ टी स्पून के करीब ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हम लोग को। तो ये मैं इसमें एक स्पून डालूंगी। तो गाइस, ये हनी के बारे में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो जो नॉर्मल हनी आपको मिलती है वो नहीं लेना है आपको। अगर आपको इस हनी का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, ये प्योर हनी है बिल्कुल, इसका लिंक आपको दे दूंगी। एंड बहुत अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। एंड इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल। आप नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हो। एंड फिर उसमें हम ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ योर फेवरेट ऑयल, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आपकी हनी जो है प्योर हनी है वो मिक्स नहीं होती अच्छे से। तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा इसे थोड़ा। एंड आपके पास एक बहुत ही एक गुई सा एक मिक्सचर बन जाएगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी यहाँ पे। एंड गाइस, फेस ऑयल की बात करें तो मैंने यहाँ लिया प्लम का ऑयल, जिसमें कि 7 ऑयल ब्लेंड्स हैं आई गेस, यस। तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो आपकी स्किन को सूट करे, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी स्किन को सूट करे। तो गाइस, ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको लगाना कैसे है मैं आपको ये भी बताऊंगी। यस गाइस, ये मास्क है तो मैं इसको अब आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे। तो ये देखिए, मसाजिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा परफेक्ट सा एक मिक्सचर बनेगा, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देगा। अभी इसको वॉश करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी स्किन जो है स्मूथ लगेगी। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। एंड ये ट्रेंड बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तो ये बहुत ही एक फेमस सेलिब्रिटी ने ये ट्रेंड शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सब करते हैं इसको, मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे मास्क को अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने फेस को एकदम क्लीन कर लीजिए। तो ये मैं यहाँ पे फेस वाइप से अपनी स्किन को क्लीन कर रही हूँ। नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ फेस वाइप्स यूज़ करना, बट यस, रेयर केसेस में आई यूज़। तो ये देखिए, ये मिक्सचर कुछ ऐसा दिखेगा, गुई सा मिक्सचर है। इसको हमें अपनी फेस पे लगाना है एंड मेक श्योर आपको अपवर्ड मोशन में लगाना है, ऊपर की तरफ आपको इस मास्क को लगाना है। तो ऐसे, और आईज़ के नीचे अच्छे से लगाइए, जहाँ पे आपके रिंकल्स हैं वहाँ पे अच्छे से लगाइए। डोंट वरी, ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा आपकी स्किन को, अनटिल एंड अनलेस आप आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और हनी, कई बार प्योर हनी भी स्किन को सेंसिटिव स्किन को डिस्टर्ब कर सकता है, उसके पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मेक श्योर आप हनी की टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। तो गाइज़, आप देखते रहिए मैं किस वे में इसको अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं कोई भी एरिया नहीं छोड़ी हूँ अपने फेस का। एंड नेक पे भी अप्लाई करना, क्योंकि नेक पे भी हमारे रिंकल्स आ जाते हैं एज के साथ। एंड गाइज़, अब ये कौन यूज़ करे, देखिए, यूज़ तो इसको सब कर सकते हैं, आप 18 के हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड मास्क। बट इफ़ यू हैव एक्नी इशूज़ और आपके रिंकल्स हैं फेस पे बहुत ज़्यादा, और आपकी स्किन बहुत डल लगती है, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आते हैं कि हमारी डल स्किन के लिए क्या करें, तो ये बेस्ट चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, घर में है, हफ्ते में 2 बार कीजिए इसको, एंड योर स्किन विल थैंक यू। सच में आप ये करके देखिए एंड मेरे साथ रिजल्ट शेयर करिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर अपने फेस पे रख के, लाइक 2 से 3 मिनट ऐसे अपने फेस पे लगे रहने दें, एंड अब हमें मसाजिंग करनी है। तो ये देखिए मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, अच्छे से अपनी स्किन के अंदर इस मास्क को आपको मसाज करना है।
तो मसाजिंग आप देख लीजिए। तो गाइज हनी जो है ना वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये क्या करता है कि आपके फेस पे एक्सेस ऑयल भी नहीं लाता एंड आपकी जो एक्ने हैं या फेस पे जो भी आपके इश्यूज हैं उसको अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको क्लीन करता है। प्लस ये बहुत ज़्यादा कामयाब है आपके रिंकल्स पर, जो आपके रिंकल्स है जो फॉर्म हो रहे हैं अभी उनको ये रोकेगा बहुत अच्छे से। बकायदा बस आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ये मास्क लगाइएगा, एंड तक देखिएगा। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म नहीं है, आगे देखिएगा कि आपको क्या करना है एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके साथ। एंड मेक श्योर मसाजिंग आप अच्छे से करिए। ये देखिए मसाजिंग में पूरा टाइम लीजिए। अभी मैंने इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा मसाज की है बट इतना मैं अब चैनल पे दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे वीडियोस है ना लंबी बनाना अच्छी नहीं लगता है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप लंबी वीडियोस बनाइए आपकी एड्स ज़्यादा आएंगी, बट क्योंकि मैं खुद बोर हो जाती हूँ लंबी वीडियोज़ से तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी होते होंगे ज़रूर, तो इसलिए मैं लंबी वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, आई अवॉइड जितना ज़्यादा हो सके। सो या दूसरी बात करें एलोवेरा जेल की, तो एलोवेरा जेल तो लाइक यू नो हम लोग को पता ही है कि कितना ज़्यादा उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। प्लस अगर आपकी ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है तो उसको वो बहुत अच्छे से यू नो मॉइस्चर कर देता है। तो ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया था एंड के लिए, मसाजिंग के बाद मैं ये जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको अच्छे से लेयर अप कर लूँगी अपने फेस पे, एक मोटी लेयर लगा लूँगी। मैं आपको ये बताना भूल गई कि पूरा मिक्सचर मत लगाइएगा, थोड़ा सा रख लीजिए, मसाजिंग के बाद आपको फिर से इस मिक्सचर को लगाना है। एंड अब आपको अपना सरान रैप लेना है और इसको अपने फेस पे लगाना है। तो ये गाइस खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा मैसी होता है, कैमरा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया था। तो इसको आप अच्छे से अपना मेक श्योर आपको सांस अच्छे से आए तो ध्यान से लगा लीजिए। तो या इस पैक को आप रखिए 10 से 15 मिनट अपने फेस पे एंड फिर उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। फेस वॉश नहीं यूज़ करना है क्योंकि अपना फेस आपने पहले ही क्लीन किया है, आपको नॉर्मल पानी से इसको धोना है एंड देन यू विल सी द विजिबली यू नो क्लियरर स्किन जो कि इस पैक के बाद आपको मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा बेबी सॉफ्ट और क्लीन स्किन आपको मिलेगी। एंड ये देखिए अप क्लोज मैं आपको दिखा रही हूँ, माय स्किन इज़ टोटली विदाउट मेकअप एंड या रिजल्ट्स ऑसम आते हैं। एंड ये आपको 100% हेल्प करेगा इन योर रिंकल्स, और अगर स्किन एक्ने प्रोन भी है तो भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा एंड ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड स्किन को तो यू नो प्लम्पी एंड सॉफ्ट बना ही देगा। बहुत ही अच्छा ये मास्क है एंड सब चीज़ें घर पर होती है यार, इंडियन हाउस होल्ड्स में ये 3-4 चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं। सो या एंड गाइज मैं आपको ये भी बोलूँगी अगर आपको कहीं से भी प्योर हनी मिलता है तो वो ज़रूर आप बाय करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हनी जो है इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो मेक श्योर आप एक स्पून हनी ले रहे हैं दिन में कैसे भी, चाहे अपने वाटर में, चाहे नींबू पानी में, किसी चीज़ में भी मिला के एंड आपको कहीं से भी प्योर हनी मिलता है तो वो बाय कीजिए। इसका भी लिंक दे दूंगी एंड या दिस वॉज द वीडियो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइज प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी यू नो लाइफ एंड आई होप जल्दी से ये जो भी चल रहा है ख़त्म हो। लव यू ऑल।